आप सभी को फिर से वेलकम मेरे इस YouTube चैनल पर। आप सब कैसे हैं मुझे कमेंट पे जरूर बताना। दोस्तों आज मैं जिस बारे में आपसे बात करने वाला हूँ ना, तो वो मेरा YouTube चैनल जो मोनेटाइज हुआ है, तो कैसे मोनेटाइज हुआ है, कितने दिन लगा है और अभी क्या दिक्कत आ रहा है मेरे यूट्यूब चैनल पर, उसके रिलेटेड आपसे बात करने वाला। बहुत सारे बातें हैं जो अभी तक मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया था, तो उसके रिलेटेड भी आज सारा जो मैं आप लोगों से शेयर नहीं किया था ना, वो आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में, बता दूंगा कि मैंने क्या क्या दिक्कतें आया यूट्यूब मोनेटाइजेशन में और अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है मोनेटाइजेशन के बाद, सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले जो भी भाई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं ना, उन सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करते रहो दोस्तों से, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट और प्यार के बिना मैं कभी भी आगे नहीं जा सकता और मेरा चैनल भी ग्रो नहीं हो सकता। आज से लगभग 2 या 3 साल पहले मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था, लेकिन उस टाइम मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं डालता था, कभी कभी एक दो वीडियो डाल देता था, उसमें व्यूज नहीं आता था, कोई मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं था मेरे इस YouTube चैनल। तो पिछले साल मैंने क्या किया था, उसमें मैंने डिसाइड कर लिया था कि अभी गवर्नमेंट जॉब जो निकलता है ना, उसका नोटिफिकेशन मैं वहाँ पे डालूंगा, अपने YouTube चैनल पे वीडियो बना के डालूंगा। तब मैंने डालना स्टार्ट किया हर रोज। उसके बाद मेरा जो YouTube का क्राइटेरिया है, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर्स वॉच टाइम, वो कम्प्लीट हो गया। लेकिन अभी जो दिक्कत आ रहा है, उसके बाद मैंने इसको अभी चेंज कर दिया ब्लॉगिंग में, क्योंकि मेरा पहले से ही मन था कि ब्लॉगिंग चैनल बनाऊं और इसीलिए मैंने अभी इसको चेंज कर दिया ब्लॉगिंग चैनल। लेकिन अभी मेरा व्यूज ज़्यादा नहीं आ रहा है, मेरा तो यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है लेकिन उससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, और अभी जो वीडियोज डाल रहा हूँ उसमें ज़्यादा व्यूज भी नहीं है। दिक्कत ये कि पहले मैं इसमें गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन डालता था, तो वहाँ पे जो सब्सक्राइबर थे ना, वो सारे उस रिलेटेड थे, ब्लॉगिंग रिलेटेड नहीं थे, इसलिए उसमें व्यूज भी नहीं आ रहा है और चैनल भी ग्रो नहीं रहा है। लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया कि इसको ब्लॉगिंग चैनल ही मैं रहने दूंगा, क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग पसंद है, इसीलिए जितने भी दिन लगेगा उसको ग्रो होने में मैं हर रोज वीडियो डालता रहूँगा, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी भाई नया देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। मेरा जो अभी रेवेन्यू है ना, वो लगभग $3 या $4 ही होगा। मैं आपको शेयर करूँगा मेरा यूट्यूब चैनल का जो YT स्टोरी है, उसको मैं दिखाऊँगा और क्या क्या उसमें है सब कुछ दिखाऊँगा, और अभी क्या पोजीशन है मेरे चैनल का, कितना व्यूज आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, सब कुछ लाइव स्क्रीन पे मैं अपना YT स्टूडियो ओपन करूँगी। अपना ऊपर देख सकते हो मेरा YT स्टूडियो, वहाँ पे मेरा टोटल सब्सक्राइबर, वॉच टाइम, व्यूज, रेवेन्यू सब कुछ लिखा हुआ। आप देख सकते हो ज़्यादा व्यूज भी नहीं है, ज़्यादा वॉच टाइम भी नहीं है, रेवेन्यू तो ना आपके बराबर ही। और अभी मैं कॉन्टेंट पे लेके जाता हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रॉल डाउन करके, मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप देख सकते हो मेरा व्यूज कितना है, वहाँ पे कोई ज़्यादा व्यूज नहीं है, जितने भी सब कुछ क्राइटेरिया कम्प्लीट है, लेकिन व्यूज की वजह से मेरा अर्निंग नहीं हो रहा है। तो इसीलिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे कि आप लोग मेरा चैनल का जितने जल्दी हो सके ग्रो करवा दो, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से। और जो भी भाई नया ब्लॉगिंग चैनल या कोई भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा है ना, उनको मैं हमेशा सपोर्ट करूँगा, और जो भी दिक्कत आएगी मुझे कमेंट पे बता देना, मैं आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर दूँगा, ठीक है।